हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी और यांत्रिक के लिए स्टेज वन सेक्शन वन साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर एलेवन को आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट्स में हम आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करवाएंगे आपको पता है कि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन दिए गए हैं सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियस बैचेस में भी करवाया है तो प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस को आप कंप्लीटली बात कीजिएगा क्योंकि वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी बताया है तो उस न्यूमेरिकल्स को भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि उस न्यूमेरिकल से जिस तरीके के जो हमने न्यूमेरिकल्स बताए हैं प्रीवियस बैचेज में उस न्यूमेरिकल से डेफिनेटली क्वेश्चन हर बार एक ना एक पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो चलिए इस बार जो आपके अग्नि बैचेज स्टार्ट हुए हैं तो इसमें भी हम आपको सेक्शन वन के रिलेटेड सेक्शन वन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देंगे सो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो बता दें बच्चे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए ठीक है और किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को और बच्चे आपको बता दें कि आप अगर हमारा वन का एक प्लान है एक उन्तीस का प्लान है और एक आपका एटी इतना का प्लान है ये तीन आपके ज्वाइन बटन में प्लान दिए गए हैं इन तीनों प्लान का यूज करके आप डायरेक्टली हमें कॉल करके अपने बातों को यहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे हमारे टीम आपके कॉल को हमारे पर हमारे मोबाइल पर फॉरवर्ड करके आपसे बात आपको करवा देंगे जो भी आपका डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं आप जाइए उसको देखिएगा अगर बच्चे वन का प्लान बहुत सारे बच्चे लेते हैं हमें यहाँ पे 199 का प्लान दिखता हुआ बहुत सारे बच्चों का आंकड़ा दिखता हुआ मिलता है तो हमारे जो स्पेशल बच्चे होंगे यानी जो ज्वाइन बटन करके हमारे मेंबरशिप लिए होंगे उनके लिए अलग से एक कोर्स चलाया जाएगा जो कि आपके कोस्ट गार्ड से रिलेटेड होगा या तो एक कोई भी आपका एक सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स कोई भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और वो आपको गारंटी तौर पर आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे ठीक है तो ये आपका तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर पाएंगे तो हमारे टीम मेंबर को भी फायदा होगा वो भी एक्टिव होंगे तो ऐसा किया जा सकता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं भी हो पाते हैं कोई बात नहीं उससे बच्चे आपको जैसा मर्जी है लेकिन ये जो हमारा कोर्स है जो अग्नि बैचेज अभी चल रहे हैं यूट्यूब पर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमेशा चलता रहेगा और एकदम एकदम लगातार एकदम वे में एकदम फ्लो में चलता रहेगा बस आप रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा देते रहिए ठीक है थीके? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन के तो वन में कहा जा रहा है कि अ स्टूडेंट कैरीज़ आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द वी ग्राफ ऑफ थ्री सैम्पल ऑफ नाइक्रोम वायर विद द रेसिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द्रू कहा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है क्या कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि क्या है तीन नाइक्रोम वायर के रेसिस्टेंस को क्या कर रहा है प्लॉट कर रहा है क्या कर रहा है प्लॉट कर, कर, कर रहा है तो इसमें आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन इसके रिगार्डिंग सही है ठीक है तो देखिये ये आर वन हो गया ये आर थ्री हो गया सॉरी ये आर टू हो गया और ये आर वन हो गया तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रेसिस्टेंस बड़ा है तो कौन सा रेसिस्टेंस बड़ा है इसको निकालने के लिए आप जो एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए वहाँ से आप इसको रिलेट कर पाइएगा देखिएगा कैसे निकालते हैं हम वी इक्वल टू आई आर हम जानते हैं वी इक्वल टू आई आर या फिर समझते हैं वी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई होता है तो वी इक्वल टू क्या हो गया आर इन आई हो गया ठीक है तो अगर वी इक्वल टू आर आई है तो ये जो आपका ग्राफ होता है ये यहाँ वी होता है और यहाँ आई होता है और इस प्रकार का ये ग्राफ जाता है और ये जो हमारा एंगल होता है थीटा ये क्या देता है हमें आर देता है ये जो हमारा स्लोप है जिसे कि हम टेंथ थीटा कहेंगे ये हमारा किसके बराबर होता है आर के बराबर होता है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि हम कैसे इसको रिलेट करेंगे तो ये भी इक्वल टू आर इंटू आई है तो भी यहाँ पे हो गया यानी वाई एक्सिस पे भी हो गया और हमारा एक्स एक्सिस पे क्या हो गया आई हो गया लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे वी है और वाई एक्सिस पे आई है तो क्या करेंगे थोड़ा सा इसको हम इंटरचेंज कर देंगे तो वी इक्वल टू आई आर जो रिलेशन है उसको हम आई इक्वल टू क्या लिखेंगे वी अपॉन आर ठीक है आई इक्वल टू वी अपॉन आर हम लिख देंगे तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा इस प्रकार से आई ऊपर हो गया और वी नीचे हो गया ये इस प्रकार से इधर चला गया तो यहाँ से जो हमारा tan थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा वो वन अपॉन आर के बराबर मिलेगा ठीक है तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा यानी जिसका टेंथ थीटा ज्यादा होगा उसका आर कम होगा क्योंकि नीचे क्वांटिटी कम होगा तभी होल क्वांटिटी ज्यादा होगा तो जिसका कह सकते हैं स्लोप ज्यादा होगा उसका आर कम होगा तो इस तीनों ग्राफ से आप देख सकते हैं कि आर का स्लोप आर का स्लोप और आरथ्री के स्लोप में आर का स्लोप सबसे ज्यादा फिर आर का फिर आरथ्रिक का ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ आर सबसे बड़ा है ठीक है स्लोप ऑफ आर ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आर टू ग्रेटर देन क्या है स्लोप स्लोप ऑफ़ आर थ्री ठीक है तो जब स्लोप ऑफ आर वन आर टू आर थ्री क्या है इस प्रकार से रिलेशन है इनका तो इनके बीच रेसिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा यहां से देख सकते हैं कि स्लोप जब बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा आर थ्री सबसे बड़ा होगा फिर आर टू फिर आर वन ये आपका क्या होगा इसके रिगार्डिंग आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस टेज इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है ठीक है तो देखिए पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम ठीक है तो वर्क को हम जूल लिखते हैं और टाइम को क्या लिखते हैं सेकेंड लिखते हैं तो पावर का एक यूनिट होता है जूल पर सेकेंड ठीक है एक ये भी यूनिट होता है यहां पे आपको वोल्ट और एम्पियर के यूनिट में दिया गया है तो जैसा कि आपको पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है वोल्ट इक्वल टू होता है वर्क डन बाई यूनिट यूनिट चार्ज, वर्क डन चार्ज, ठीक है तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया वी इंटू क्यू हो गया वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया वी इंटू क्यू हो गया तो पावर इक्वल टू पता है तो ये क्यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं ठीक है, है तो यहां से हमें पता चल रहा है कि यूनिट ऑफ पी क्या निकल गया यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू वोल्ट का यूनिट क्या होता है सॉरी वी का यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है वोल्ट और टी ये आपका आई है सॉरी टी नहीं है आई है आई यूनिट क्या होता है एम्पियर ठीक है एम्पियर तो ये क्या हो गया वोल्ट इन एम्पियर हो गया ठीक है ऑप्शन मैच करेंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है साइंस से तो हमने आपको कहा था जैसा कि जो आपके क्वेश्चन रटने वाले होंगे उसको हम सिंपली आपको बता देंगे कि इसको याद कर लीजिएगा और जिसके आपके लॉजिक होंगे जिसके आपके एक तरीका होगा बनाने का उसको हम आपको जरूर बताएंगे यानी दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक प्रकार का लॉजिक लग रहा है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है आप लॉजिक अप्लाई कीजिए आपके आंसर बिल्कुल आएंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वट इज द मैक्सिमम रेजिटेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फाइव रेसिस्टर ईच ऑफ वन अपॉन फाइव एम कहा जा रहा है कि मैक्सिमम रेसिटेंस हमें कब मिलेगा जब हम फाइव रेसिस्टर्स on का फाइव रेसिस्टर वन ऑन फाइव ओम का यूज करेंगे तो जब भी मैक्सिमम रेसिटेंस का बात किया जाए तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज के कंडीशन में मिलता है ठीक है मैक्सिमम रेसिस्टेंस ठीक है मैक्सिमम रेसिसटेंस यहाँ पे लिखते हैं वो जब भी मिलता है वो सीरीज के कंडीशन में मिलता है यानी जब भी किसी रेसिटेंस को सीरीज में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमें मैक्सिमम रिसिस्टेंस देता है तो चलिए यहाँ पे मैक्सिमम रसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तीन हो गया और यहाँ पे चार हो गया

यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ करेंट ऑफ वन एम्पियर इज ड्रोन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ठीक है ये जो भी न्यूमेकल्स हो रहे हैं ये आपके क्लास टेंथ लेवल के न्यूमेरिकल है इसमें कोई ज़्यादा हाई लेवल का बात नहीं कही जा रही है सो so आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि सर बहुत टफ है या फिर बहुत ये क्या है ईजी है ऐसा कुछ नहीं सोचना है जो आपको पढ़ने हैं जिस सवल के वही तरीके से बताया जा रहा है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर में है हमारा कि अ करेंट ऑफ वन एम्पियर इज ड्रोन बाई अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फिलामेंट इन 16 सेकेंड उड भी रफली कहा जा रहा है कि आपको एक वन एम्पियर का करंट है जो कि क्या हो रहा है एक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब से पास हो रहा है तो आपको बताने हैं कि उस बल्ब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 सेकंड में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे रफली यानी कहने का मतलब पूरा एक्यूरेट आंकड़ा नहीं रफली आपको बताना है सोलह सेकेंड में उस फिलामेंट बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ठीक है तो एक आपको फॉर्मूला पता होगा आप वहाँ से समझ सकते हैं कि Q इक्वल टू होता है आई इंटू टी और Q का वैल्यू क्या होता है ये n इंटू ई e होता है n इंटू ई e कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू उसके चार्ज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें उसके चार्ज के बारे में दे देगा ठीक है तो n इंटू ई e हो जाता है और ये आता है आई इंटू टी के बराबर हमें एन का वैल्यू निकालना है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकालना है तो एन इक्वल टू क्या हो गया एन इक्वल टू निकल निकल गया आई अपॉन टी सॉरी आई इंटू टी अपॉन ई हो गया ठीक है तो एन इक्वल टू क्या हो गया आई इंटू टी आई का वैल्यू वन है टी का वैल्यू सिक्सटीन सेकेंड है और ई e क्या है आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाव माइनस नाइनटीन कुलम होते हैं ठीक है ये एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर टेन लिखा जाएगा ये सिक्सटी से सिक्सटीन कट जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या जाएगा टू द पावर ये माइनस नाइनटीन ऊपर चला जाएगा तो नाइनटीन हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा टेन टू द पावर ट्वेंटी यानी रफली दस पे पावर बीस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास करेंगे यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन अपॉन कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस नहीं रेसिस्टिविटी जो होता है किसी भी मेटेलिक वायर का रेसिस्टेंस नहीं रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी याद रखिएगा रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं और आर इक्वल टू होता है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में रिलेशन होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए ठीक है देखिए तो जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है ऑफ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन वो किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ़ गिवन मेटेलिक वायर वो डिपेंड्स अपॉन यानी किस पे डिपेंड करता है ठीक है तो हिंदी वाले बच्चे को भी बता दें कि हम हिंदी में बोलते चल रहे हैं सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सीखते चलिए यहाँ से ठीक है चलिए तो वो किस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल रिसिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल रिसिस्टिविटी डिपेंड करेगा ओनली ऑन on, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे उसके लेंथ पे नहीं थिकनेस पे नहीं सेप पे नहीं इन सभी में से किसी पे वो डिपेंड नहीं करता है वो सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है उनके लेंथ उनके थिकनेस उनके सेप उनके एरिया किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो फॉर्मुला में हमें लेंथ और एरिया दिया जा रहा है तो फिर भी क्यों नहीं डिपेंड करता है ये नहीं डिपेंड करता है क्योंकि यूनिट लेंथ और एरिया के बारे में बात करता है सो इस कारण से यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी होता है वो ना ही लेंथ

रेसिस्टिविटी resist, चेंज नहीं करेगा रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा अगर रेसिस्टिविटी किसी भी खास कुछ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो उस क्वांटिटी को अगर हम चेंज कर देंगे तो रेसिस्टिविटी हमारा चेंज कर जाएगा ठीक है तो यहाँ पे कर रहा है रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होना चाहिए तो हम अगर ऐसे क्वांटिटी को बढ़ाएं जिस पे हमारा रेसिस्टिविटी डिपेंड ना कर रहा हो तो हमारा रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा तो रेसिस्टिविटी जो होता है ठीक है रेसिस्टिविटी जो होता है वो किस पे वो लेंथ ठीक है एरिया थिकनेस ठीक है और क्या क्या होता है और आप कह सकते हैं उसका उसका यहाँ से देख सकते हैं सेप क्या है शेप अगर इन सभी में से किसी भी क्वांटिटी को अगर हम क्या करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं चेंज करते हैं सिंपली समझिए तो हमारा रजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कि इसमें कहा जा रहा है दी शेप ऑफ रजिस्टर इज चेंज यानी अगर रजिस्टर के शेप को हम चेंज कर ले तो रजिस्टिविटी हमारा चेंज नहीं करेगा ठीक है बाद बाकी हम अगर उसके मटेरियल को चेंज कर दे टेम्परेचर को चेंज कर दे तब भी हमारा रेसिटिविटी चेंज करेगा अगर दोनों को चेंज करेंगे तभी रिजिस्टिविटी चेंज करेगा क्योंकि रेसिटिविटी हमारा मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर सेवन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जो जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का यानी जो आप घर में यूज करते हैं उसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है ठीक है तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है किलोवाट आवर क्या होता है किलोवाट आवर के डब्ल्यू एच ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली लीफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के ऐसा कब होता है तो याद रखिएगा ये हमें ओम्स लॉ ओम्स लॉ के बारे में बताता है और ओम्स लॉ के अनुसार वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और इसे जब हम हटाते हैं तो वी इक्वल टू आर इन टू आई आता है और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारा टेम्परेचर ठीक है जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर नहीं यहाँ पर लिख देते हैं टी एम पी आर ए टी यू आर ई जब टेम्परेचर क्या होगा जब हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, होगा। यानी जो ओम्स लॉ होता है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड होता है मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ठीक है बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द दिरेसिस्टिव, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दिस फैक्टरी जो रेसिस्टिविटी होता है कॉपर मेटल का यानी किसी भी मेटल का यहाँ पे कॉपर मेटल दिया जा रहा है वो डिपेंड करता है ओनली वन फैक्टर पर वो कौन सा फैक्टर है इसमें से तो याद रखिएगा हमने तुरंत बताया कि रेसिस्टिविटी न ही लेंथ ना ही थिकनेस ना ही एरिया ऑफ प्रोसेशन पर डिपेंड करता है वह सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर तो आंसर क्या होगा ओनली ऑन टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर और यहाँ पर देख सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल ठीक है नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है डिपेंड्स करता है ठीक है डिपेंड्स यहां पे लिखते हैं ठीक है रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड करंट आई इज डिस्कवर्ड बाय तो आपको बता दें कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन डिस्कवर किया था उनका नाम था ओम्स क्या लिखा था ओम्स ओम्स जिन्होंने कहा था वी डायरेक्टल टू आई है तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इन टू आई हो जाएगा ठीक है यहाँ से आप आई इक्वल टू क्या लिखेंगे वी ओपॉन आर लिख सकते हैं ये सभी से आपको फॉर्मूला से जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बन सकते हैं जब भी आपके न्यूमेरिकल बनेगा इजी लेवल का बनेगा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा ठीक है और आर टू क्या होता है है वीएपन आई हो जाता है इन सभी को आप याद करके रख सकते हैं तो चलिए बच्चे ये टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो सारे आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एकदम बारीकी से देखते चलिएगा ठीक है आने वाले समय में और भी आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो भी आपके सिलेबस में है उन सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों में भी शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो तब तक के लिए बाय बाय